तो आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे एम्पलीफायर दो रखे हुए हैं, आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हर कोई एक दूसरे एम्पलीफायर से म्यूज़िक बजाना चाहता है। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप इस एम्पलीफायर से उस एम्पलीफायर को कैसे बजा सकते हैं, कि इसमें ऑक्स पिन लगा के इसको म्यूज़िक देकर इस पे इसके स्पीकर को बजा सकें, इस मशीन से स्पीकर को। तो आज इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। हमारे डीजे वाले भाई जो ज़्यादा बड़े हैं उनको तो पता ही होगा, पर जो नए डीजे वाले भाई हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, कि मैंने बताया कि इस एम्पलीफायर से इसको बजा सकते हैं और इस एम्पलीफायर से इसको आउटपुट दे सकते हैं म्यूजिक का, तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला था। तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो में लगातार बने रहिए। तो हम आज सीखेंगे एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट करना। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये ऑक्स, ये एक दूसरे मशीन को कनेक्ट करने वाली लीड है। तो ये रही हमारी लीड और ये रही, देख सकते हैं आप, ये मोबाइल से बजाने वाली लीड। तो इसको पहले हम इस मशीन पर लगाएंगे, इससे हम इसको आउटपुट देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ऑक्स ऑक्स वन ऑक्स टू, तो हम ऑक्स वन से अभी बजा रहे हैं, तो इसको इसमें लगा लेते हैं। और ये रही हमारी दूसरी लीड जो इस एम्पलीफायर को उस एम्पलीफायर को गान म्यूज़िक बजाने में मदद करेगी। तो हमें लगाना है ये लाइन आउट, ये पेयर आउट, तो हमको पेयर आउट में लगाना है क्योंकि यहाँ से म्यूजिक को आउट करके इस एम्पलीफायर को हमें देना है। तो हम अब ऑक्स वन में लगाते हैं दूसरे एम्पलीफायर में। तो ये रहा हमारा, ये हो गया। और इस मशीन में आप देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है और ये इसमें नहीं लगा हुआ है। बजाएंगे इस एम्पलीफायर से और हम देख सकते हैं आप लोग इस एम्पलीफायर से म्यूजिक को देंगे और इस एम्पलीफायर से इस बॉक्स को बजाने वाले हैं। तो काफ़ी आसान तरीका है एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट करने का। तो अभी हम म्यूजिक इसको देने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा रहा ऑक्स वन और ऑक्स टू। तो हमने पीछे से ऑक्स वन को म्यूजिक का आउटपुट दिया है, तो इसको हमने ऑक्स वन को ऑन कर लेना है, ये हमारा काम करने लगेगा। तो हम म्यूजिक ऑन करते हैं, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑक्स वन पे कनेक्ट किया था, तो ऑक्स वन का वॉल्यूम 4 पे कर दिया है और इस एम्पलीफायर में अब इसको हमको आवाज़ देना है। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा बजने लगा। जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी ऑक्स वन और ऑक्स टू की ये जो
यह देख रहे हैं आप लोग, यह है वो लीड सॉकेट। तो हमको अगर वहाँ से ऑक्स टू से प्ले करना होगा तो हमें ऑक्स टू में लगाना है, और ऑक्स वन में लगाए तो ऑक्स वन से वहाँ से प्ले होगा सॉन्ग। और यह हमारा रहा पेयर आउटपुट, देख सकते हैं पेयर आउटपुट, और इसमें ऑक्स में हमने इन कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमको इस एम्पलीफायर से ऊपर वाली एम्पलीफायर को बजाना होगा, तो हमने इसको इसमें लगा देना है, इसमें लगा देना है जो ऑक्स वन के साइड में था, और इस वाले सिरे को लगा देना है लाइन इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं, और इसको हमको बजाने वाली रीड जो है, ये ऑक्स वाली रीड जो बजाएंगे वो इसमें लगा देना है। तो अब हमारा देखिए मशीन बजने लगी, तो इस वाले से हम इस ऊपर वाली मशीन को बजा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस मशीन से हम इस मशीन को बजा रहे हैं। अभी देख लेना, स्पीकर हमने लगा दिए हैं, ये रहे हमारे स्पीकर, और ऊपर वाली मशीन से हम बजा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, तो अब हम नीचे वाली मशीन का आवाज़ बढ़ा देते हैं, और ये रहा हमारा दूसरी मशीन। ये देख सकते हैं आप लोग, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करने अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।